नाउ आई एम गोइंग टू टेक टू थ्री वेरी स्मार्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिकी क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगेंगी जो हम यूजुअली यूज नहीं करते. ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन बट थोड़े से ट्रिकी. इफ वी हैव दिस एंड दिस, स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फैक्टर्स कैसे हैं, मीन्स जो भी बाइनोमियल है वो कैसे हैं. लाइक वी हैव एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देन वी कैन इजिली राइट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. मैंने आपको जैसा बताया कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका नेचर देखें, बट यहाँ पर ये सिचुएशन है क्या? नहीं है, दोनों प्लस के नहीं है. फिर हमने सिचुएशन देखी कि इफ वी हैव एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, देन वी कैन राइट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करना है. ठीक है, बट यहाँ दोनों माइनस के भी नहीं है. तीसरी हमने सिचुएशन पढ़ी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक प्लस का एक माइनस का, तब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बट ये भी सिचुएशन यहाँ नहीं है, बिकॉज जो एक्स है यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी, मतलब ऐसे सिचुएशन है कि बीच में प्लस माइनस है, बट इन दिस केस टर्म के आगे माइनस है. तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, वेरी सिंपल. मैंने जब स्टार्ट किया टॉपिक तो मैंने आपको दो तीन बहुत ही एलिमेंट्री चीजें बताई थी कि इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस देन व्हाट विल डू. माइनस ए प्लस बी है तो हम इसे माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं. सबसे पहला बहुत ही बेसिक रूल मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होते हैं? चेंज जाते हैं. ए बन जाएगा नेगेटिव एंड बी बन जाएगा पॉजिटिव. मीन्स ऐसी सिचुएशन है तो उसे हम ये लिख सकते हैं, एंड ऐसी सिचुएशन है तो हम उसे ये लिख सकते हैं, बिकॉज बीच में इक्वल्स टू है. एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल, तो हम एल एच एस को भी यूज कर सकते हैं जहां हमारी मर्जी है, वहां आर एच एस को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अब हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसी ही सिचुएशन है जो मैंने आपको वहां बताई, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये माइनस को हम अंदर पुट करेंगे तो ये इसी में कन्वर्ट होगा. मीन्स दिस इज एग्जैक्टली इक्वलेंट टू दिस. बाकी हमारा पार्ट ऐसा कि ऐसा ही है. ठीक है, अब देखिए माइनस ये दोनों टर्म अब हमारे इस फॉर्मूले में अरेंज दिख रही हैं. एक प्लस की है और एक माइनस की, दोनों बाइनोमियल के बीच में एक बार माइनस है और एक बार प्लस है. तो ये टर्म कौन से फॉर्मूले को वैलिड कर रही हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ. ये ऐसा दिख रहा है, यस. जब ये फॉर्मूले के फॉर्म में है, आइडेंटिटी के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं. एक्चुअली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इन प्लेस ऑफ ए यहां पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ए माइनस बी नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू कंपेयर की. नाउ ए स्क्वायर टू द पावर टू इज ए फोर माइनस बी फोर, ये सॉल्व हो गया है. अब आप इसे ब्रैकेट ओपन करके लिखें तो माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. यू कैन लीव आंसर एज इट इज आइदर इन दिस फॉर्म, और इसको थोड़ा और अगर अच्छे से अरेंज करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं. दिस थ्री लाइन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर. कोई भी आप देखेंगे तीनों का मीनिंग सेम है. आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन केवल दो स्टेप का ही था, बट जो फर्स्ट स्टेप था वो बहुत ही ट्रिकी था कि माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, तो हमने माइनस को एडजस्ट किया. और एडजस्ट कैसे किया? थ्रू दिस, कि इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस देन वी कैन राइट इन दिस वे. ठीक है.
एक और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लें जिससे ये क्लियर हो आपको कि हमने एग्जैक्टली क्या किया। माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए माइनस सी दोनों बाइनोमियल टर्म है बट कुछ अजीब सी हैं, हमारी आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं है। कोई नहीं, हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस, अभी जस्ट हमने पढ़ा। सिमिलरली ये हो गया हमारा एक फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड, इसमें हम माइनस बाहर ले सकते हैं और क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख दिया। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इट इज इक्वल टू दिस। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। आप देखिए ये दो टर्म प्रोडक्ट में है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है। मीन्स ये माइनस एंड ये माइनस विल वैनिश। क्या बचेगा हमारे पास? ए माइनस सी, ए प्लस सी। और ये तो आपको अब क्लियर हो ही गया है, प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी दिया हो, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बट माइनस का रोल था तो हमने माइनस के थ्रू इसको एडजस्ट किया। तो ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं अगेन कुछ बेसिक चीजें आपको रिकॉल कराऊंगी। लाइक आई हैव एक्स इक्वल टू 5। मैथ्स में इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका मतलब यह है एक्स की वैल्यू 5 है। अब अगर हमारा मन हुआ कि हम यहाँ 2 ऐड करना चाहते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ भी 2 ऐड करना ही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का बैलेंस बराबर बनना चाहिए, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7 हो गया। एक्स इक्वल टू 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा एंड अगेन एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। मीन्स आफ्टर एडिंग 2 बोथ द साइड क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं। था हमारे पास एक्स इक्वल टू 5, स्टार्टिंग में क्या था एक्स इक्वल टू 5, उसमें हमने कुछ एडिशन वगैरह किया बट स्टिल इट इज एक्स इक्वल टू 5। सेम हम माइनस कर सकते हैं, लाइक आई हैव एक्स इक्वल टू 5। मुझे लग रहा है मुझे माइनस 1 करना है तो मैं इधर भी करूँगी इधर भी, बस दोनों जगह इक्वली अप्लाई करूँगी, ये हमेशा याद रखना है। अब क्या होगा, 5 माइनस 1 इज 4, एक्स इक्वल टू 4, ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 1 का तो इट विल कन्वर्ट इन टू प्लस 1 एंड फाइनली इट इज एक्स इक्वल टू 5। मीन्स हमने सब्ट्रैक्ट किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेम विथ मल्टीप्लाई, लाइक हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट विल बिकम 2x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10/2 मीन्स 5। और ये का यही हम डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं। पर्पस बताने का ये है कि हम LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई भी ऑपरेशन लगाएं वो हमें दोनों जगह लगाना होगा एंड क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स हम प्लस करना चाहें तो हमें दोनों जगह प्लस करना होगा, माइनस करना है तो भी LHS RHS में करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए भी सेम होगा। नाउ अब मैं नया चीज आपको बताने जा रही हूँ। सिचुएशन हमारी x इक्वल टू 5 ही है, मुझे स्क्वेयरिंग करनी है बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या करना चाह रही हूँ मैं, स्क्वायर, तो मुझे 5 का भी क्या करना होगा, स्क्वायर, तभी बैलेंस बराबर होगा।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, एंड अब इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो वो अगेन क्या आ जाएगी 5। स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन अप्लाई, बट इट शुड बी अप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ये बताना इसलिए जरूरी था कि अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। वी हैव x प्लस 1/x इक्वल टू 4, एंड उन्होंने कह दिया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। कहाँ से हम करेंगे, हमें टर्म बिना स्क्वायर का दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो मुझे क्या करना होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है, बोथ द साइड्स मीन्स एक्स प्लस 1/x पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगी। जब मैं यहां अप्लाई करूंगी तो आई नीड टू अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये काय में कन्वर्ट होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज 16। स्क्वायरिंग का रोल आपको क्लियर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बिना स्क्वायर के दिया है और आंसर हमें स्क्वायर में निकालना है, तो हमें LHS और RHS दोनों जगह स्क्वायरिंग अप्लाई करना पड़ा। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ये है x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये x और ये x कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है और वो डिनोमिनेटर में, केवल आपके पास बच रहा है 2 प्लस, जब 1/x होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा विच इज 1, और x का भी स्क्वायर होगा, और राइट हैंड पे आपके पास है 16। नाउ दे हैव सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और हमारे पास क्या आ गया है, ये तो है साथ में एक्स्ट्रा 2 भी आ गया है, तो 2 को हमें कहाँ पहुंचाना होगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि जो निकालना है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होगा और जो नहीं चाहिए वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जब भी शिफ्ट करते हैं तो जो भी साइन है उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है, ये तो हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 मीन्स ये हो जाएगा 14। आपसे कहा था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड भी कंटिन्यू होगा, हमें टर्म दी है स्क्वायर में और आंसर लाना है 4 में, देन अगेन व्हाट आई नीड टू डू, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, इसलिए मैंने आपको वो प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी, अगेन यहां पर होगा ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। ये अब सेकेंड पार्ट कंटिन्यू, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, आप लिख लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एंड बी के प्लेस पे क्या है 1/x स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab फाइन प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर इज इक्वल इनटू 196, राइट। नाउ स्क्वायर टू द पावर 2 इज x टू द पावर 4, पावर टू द पावर प्लस, यहां पर ये x स्क्वायर कैंसिल, इट विल गिव यू 2, एंड यहां पर मिलेगा 1/x4, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड x स्क्वायर का स्क्वायर इज 1x4। ना जो निकालना है हमें ये और ये चाहिए, जो भी मैथ्स में हमें फाइंड आउट करना होता है हमारी कोशिश होती है हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें और जो नहीं चाहिए वो राइट पे शिफ्ट करेंगे, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 194। उन्होंने हमें कहा था ये दो वैल्यूज फाइंड करके बताइए, बट ये कैसे हमने किया, तो हमने बेसिक जो दिया हुआ था
एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फोर उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, देन दे वांटेड कि एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर, तो अगेन हमने इसका स्क्वायर किया और हमारे पास ये आया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करें ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, बट अभी हमने प्लस का लिया था, बट जरूरी है हमेशा प्लस मिलेगा? नहीं। तो अब हम वही क्वेश्चन माइनस के लिए भी सॉल्व करेंगे। इफ वी हैव एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल्स टू नाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा क्योंकि हमने इससे पहले वाला बहुत अच्छे से कर लिया। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, ठीक है, आपको यहां लिखना होगा ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, a माइनस b होल स्क्वायर। a की प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है, x, एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव 1 बाय x। व्हाट इज द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मींस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड 9 स्क्वायर इज 81। ओपन करेंगे माइनस, x से x कैंसिल बिकॉज इन्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। 1 बाय x का स्क्वायर होगा 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, ये दो टर्म की वैल्यू, तो हम जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जो नहीं निकालना है उसे हम राइट हैंड साइड पे पहुंचाएंगे। माइनस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। सो फाइनली यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 83, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, माइनस की सिचुएशन थी तो हमने वो भी सॉल्व की। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, इफ x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू नाइन, फाइंड x प्लस वन बाय एक्स, अब ये तो कुछ डिफरेंट ही है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास ये सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही किया। ठीक है, 9 स्क्वायर, मैं यहीं से रिजल्ट कॉपी कर देती हूँ कि हमें फाइनली जो मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 83, ये हमको एज ए रिजल्ट मिला। सॉल्यूशन हमारे सामने है इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही। अब हमें हम लेके आ गए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, जबकि हमें इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वन बाय एक्स लाना है, स्क्वायर का तो कोई आंसर लाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो स्क्वायर में आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे, हम अपने मन से x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर किसके इसको तो इक्वेशन वन नाम दे देंगे और संभाल के रख लेंगे। अब हम x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो किसके इक्वलेंट होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम अपने मन से हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करा कि इफ वी हैव एक्स प्लस वन बाय एक्स और उसका स्क्वायर, तो वो किसके इक्वलेंट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट पे हमारे क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए एक्स स्क्वायर और वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 83 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 85। जो वैल्यू हमारे पास थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। आप उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इन दिस, जो भी इक्वेशन लेट से 2 थी, तो इन इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या आ गया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85,
पर हमें जो निकालना था x प्लस 1 बाय x, तो हम स्क्वायर को कहां शिफ्ट करेंगे? राइट हैंड साइड में। अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट याद करें, तो स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड से शिफ्ट होता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको वापस से रिकॉल कराऊंगी क्योंकि आपको याद नहीं आएंगे, तो मैं सारी वो प्रॉपर्टीज रिकॉल कराती हूँ। अगर हमारे पास कोई चीज प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो राइट हैंड साइड पे जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, माइनस में है, लेट्स से वी हैव एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6, तो एक्स इक्वल टू 6 माइनस 5 हो जाता है। प्लस का 5 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इफ वी हैव माइनस 5 देन इट विल कन्वर्टेड इनटू प्लस 5, ये आपको पता है। एक्स इंटू 5 है तो वो डिवाइड में जाता है, ठीक है, और डिवाइड में अगर है तो वो मल्टीप्लाई में जाता है। ये डिवाइड में है तो इसका सॉल्यूशन होता है डिवाइड विल कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। इसके साथ हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर स्क्वायर है तो वो राइट हैंड जाएगा, तो स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर का इनवर्स, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, इनवर्स मीन्स स्क्वायर का उल्टा जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट। लेट्स से स्क्वायर रूट है तो वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का ऑपोजिट स्क्वायर। ये कब अप्लाई होंगे? जब एक साइड से दूसरी साइड, इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आया है एक्स प्लस 1 बाय x² इक्वल टू 85। समहाउ हम ये वैल्यू लेके तो आ गए, बट हमें क्या निकालना था? एक्स प्लस 1 बाय x, मीन्स ये स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्क्वायर को हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट किया तो राइट हैंड साइड पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्वायर रूट में। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से एक बार और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमने क्या क्या इसमें नहीं लगाया, हमने इसके अंदर सब कुछ अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया वहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगाई कि इफ वी हैव x² इक्वल टू 25, देन स्क्वायर को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान हमें रखना है क्योंकि अब हम इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माय अनदर एग्जाम्पल इज इफ वी हैव x² प्लस 1 बाय x² इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है, एक्स प्लस 1 बाय x, एक हमें ये फाइंड करना है और एक बार हमें x - 1 बाय x। अगेन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें ये सिचुएशन दी होती थी तो हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते थे, बट यहाँ पे तो जस्ट उल्टा है, स्क्वायर में सिचुएशन दी है और विदाउट स्क्वायर हमें आंसर फाइंड करना है। हम अपने मन से आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स प्लस 1 बाय, इसको ध्यान में रखते हुए किसके इक्वलेंट होता है? x² प्लस 2 इंटू दिस प्लस x टू द पावर सॉरी 1 बाय x² ये हमने अभी फ्रीक्वेंटली यूज किया है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। इसमें मुझे ये और ये पता है, ये दोनों मिलके मुझे पता है कितना है 27, बिकॉज x² प्लस 1 बाय x² इक्वल्स टू 27 गिवन है। तो इन प्लेस ऑफ दिस एंड दिस आई कैन पुट 27 प्लस, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल 2, सो वी हैव 29। बट हमारे पास जो आया वो क्या आया? होल स्क्वायर, जबकि हमें फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय x। देन व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड, एंड जब ये शिफ्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट में ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 29।
अब अगर 29 का रूट होता तो हम फाइंड आउट कर लेते, लेट्स से यहाँ 25 होता तो 25 का रूट कितना होता है 5, हमने स्क्वायर रूट में खूब प्रैक्टिस किया है, बट यहाँ पर 29 है तो 29 का रूट डेसिमल में आएगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या निकालना है हमें, एक्स माइनस वन बाय एक्स, तो हम अपने मन से प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए आप यूज टू हो गए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब इसकी और इसकी प्लेस पे तो हमें गिवन है 27 एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो इट विल गिव यू 25। सो नाउ आई हैव एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट वी नीड टू फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स ओनली, तो स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करेंगे तो इट विल गोज इनटू स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड 25 का रूट आपको पता है कितना आता है, प्लस माइनस 5, मीन्स 25 का रूट होता है 5, तो हमारा आंसर कितना आया एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगी इसलिए मैंने उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इफ वी हैव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ऑल्सो एक्स वाई इक्वल्स टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें कुछ अलग ही दिया है, इसकी भी वैल्यू दी है, इसकी भी दी है, और हमें जो निकालना है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से लाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ही सिचुएशन में आ सकता है इफ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है तो हम क्या स्टेप लिखेंगे, पुट और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई, इसको लेट्स से इक्वेशन वन नाम दे दें, इन इक्वेशन वन ये हमारी इक्वेशन है, इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये हमने अपने मन से अप्लाई किया है रिजल्ट को देखते हुए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास उसी केस में आ सकता है जब कहीं हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली सिचुएशन हो। इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया 12, तो क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 12 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है, प्लस बट एक्स वाई दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स वाई इज 14, 12 स्क्वायर कितना होगा 144 इज इक्वल टू दिस। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम पहले रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 144। इक्वेशन को हमने शफल कर दिया, LHS RHS चेंज कर दिए, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेफ रख लेंगे, इक्वल टू 144, 28 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू इक्वल टू के आजू बाजू जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो प्लस की चीज माइनस में जाती है, माइनस की प्लस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में, स्क्वायर जब इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और स्क्वायर रूट जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो नाउ आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 28 सब्ट्रैक्ट होंगे, इट विल गिव यू 116। ये निकालने के लिए हमें अपने मन से आइडेंटिटी को यूज करना पड़ा। हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर ना लिखते हुए वेरिएबल चेंज कर दिए, x प्लस वाई स्क्वायर लिखा बिकॉज अवर क्वेश्चन इज इन x एंड y। जो जो वैल्यू गिवन थी वो हमने सब्स्टिट्यूट करी और सिंपल सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व किया। एक और सेम क्वेश्चन लें जिससे आप से कंफर्टेबल हो जाए पैटर्न से। इफ वी हैव, बिल्कुल सेम टू सेम ले रहे हैं ताकि आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाए।
इफ वी हैव 3x प्लस 2y, सेम क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² एंड 4y² इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड वाई वी हैव टू स्क्वेयर बिकॉज अवर आंसर इज इन स्क्वेयर। तो हमें जो भी गिवन है उसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे हम कंपेयर करेंगे, ए की प्लेस पे है 3x, बी की प्लेस पे है 2y। सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ ए 3x होल स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माई वाई। ठीक है, अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x², 2 3 6, 2 12 xy प्लस 4y² और लेफ्ट हैंड पे हमारे हैं 3x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, 3x प्लस 2y की वैल्यू है 12, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12 एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑल्सो, 9x² एज इट इज, 12 इन प्लेस ऑफ एक्स वाई दे हैव गिवन 6 प्लस 4y, जो जो गिवन है वो हमने सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 9x² प्लस 12 6 72 प्लस 4y². इसको पहले हम अरेंज कर लें क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड पे इक्वेशन होना चाहिए, 72 प्लस 4y² इक्वल्स टू 144। केवल हमने इंटरचेंज किया है ना, कुछ भी नहीं किया है, RHS को LHS में लिखा है, LHS को RHS में लिखा है। अब हमें जो निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 4y², उसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो नहीं चाहिए अनवांटेड है उसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा, 144 एडिटिव इनवर्स ऑफ 72, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144 में से 72 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 72 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना सिंपल एंड स्ट्रेट है। बट हमें क्या ध्यान रखना पड़ा कि हमें जो गिवन था बट लाना क्या है उस पे नोटिस किया कि स्क्वायर में लेके आना है, तो हमने ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड की सबसे पहले सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद जो जो वैल्यू गिवन है वो हमने सब्स्टिट्यूट करी एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये लेफ्ट राइट पार्ट में आया तो इसे हमने लेफ्ट में लिख दिया, इसे राइट में, और सिंपल सॉल्व किया। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सो अभी हमने इतने सारे पैटर्न जो सेम टाइप के किए, अब हम थोड़े सिचुएशन को और चेंज करते हैं। इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस देन व्हाट वी विल डू, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एंड x² प्लस 4। सबसे पहली बात तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए इससे पहले उसमें केवल दो बाइनोमियल्स, दो टर्म्स थी, एक और एक। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, तीन टर्म है। पहला तो आपको क्लिक होगा कि हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, पहले इन दोनों को फिर जो आंसर आए उनको इनसे, बट वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें और कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो तो हमारा प्रेफरेंस क्या होगा कि पहले हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करें। ये दो जो टर्म है ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी दिख रही है, यस। ए की प्लेस पे हमें एक्स दिख रहा है, बी की प्लेस पे हमें टू दिख रहा है एंड ये जो फॉर्मेट दिख रहा है दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इन दो टर्म में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, इन प्लेस ऑफ ए वी हैव एक्स एंड इन प्लेस ऑफ बी वी हैव टू, ये वाला पार्ट एज इट इज. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओपन हो गया और इधर हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर. अगेन आप इसे देखें तो फिर से ये ए माइनस बी ए प्लस बी के ही फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, बट ए की प्लेस पे कंपेयर करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड बी की प्लेस पे कंपेयर करें तो क्या है, फोर. ये क्या कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोर स्क्वायर, ठीक है. ओपन होगा क्या बन जाएगा, 16 एक्स टू द पावर 4 माइनस 16. इस क्वेश्चन में क्या हमें नई चीज देखने को मिली, आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी, राइट. पहले दो टर्म ली वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर इन दो टर्म को देखा तो यहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी लग रही थी और क्वेश्चन छोटा हो गया, इतना सा आंसर आ गया. एक और ऐसी लें जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, इसके साथ हमें दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. इन दोनों में फिर से हम देखें, a की प्लेस पे है 2x, b की प्लेस पे है 3y, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ये जो टर्म है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी रख दिया, ठीक है. नाउ ये एज इट इज, यहां पे कोई चेंज नहीं है. नाउ 2x स्क्वायर ओपन होके क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर बनेगा 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. फिर यहां केयरफुली देखिए, अगेन वही आइडेंटिटी रिपीट हो रही है, a की प्लेस पे है 4x स्क्वायर, b की प्लेस पे है 9y स्क्वायर. आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर टू द पावर 2. आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा टू द पावर 4, 9 का स्क्वायर इज 81, वाई टू द पावर 4. सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, बट आइडेंटिटी के अंदर वही आइडेंटिटी फिर से अप्लाई हो रही है. तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर मीन जो भी टर्म्स दिए हैं उनका नेचर समझ में आना बहुत जरूरी है. और आइडेंटिटी वही तीन हमारी है जो बार 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 घुमा फिरा के लग रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी हमें बहुत याद होना चाहिए, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे मैम जब से पढ़ा रहे हैं तब से एक्स वाई ए बी एक्स वाई ए बी वेरिएबल ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये इतनी सारी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी इनका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ ये चीज़ को इजी बनाएंगी, वो अब हमें देखना है, ठीक है. तो एक्स वाई को अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और अब हम सिंपल नंबर सॉल्व करते हैं. लेट्स से वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 101. व्हाट यू विल डू, आइदर यू विल मल्टीप्लाई बाय 101 इंटू 101 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे. बट क्या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी तीन डिजिट है, चार डिजिट पांच डिजिट छह डिजिट्स हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बहुत हम परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं. अब आइडेंटिटी को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे वो देखिए. 101 को क्या हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स, ठीक है. अब आप इसको देखिए, क्या ये ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, राइट दिख रहा है, मीन्स ए की प्लेस पे मुझे दिख रहा है 100 एंड बी की प्लेस पे मुझे दिख रहा है 1. दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, 100 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 ए बी
प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 100 का स्क्वायर इज 10,000, ये हो गया 200 और ये हो गया 1। आप इसे ऐड कर दें तो इट विल गिव यू 10201। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो माइट भी सही आंसर आ जाता, नहीं आता, कुछ सिली मिस्टेक हो सकती थी, बट आइडेंटिटी के थ्रू कुछ गलती होने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इतने सारे जो तीन फॉर्मूले पढ़े और इतने सारे क्वेश्चन किए उनका पर्पस क्या था, क्वेश्चन को ईजी बनाना। ठीक है, अब और कोई एग्जाम्पल ले लें, लाइक 99 का स्क्वेयर। तो आप डेफिनेटली कहेंगे आइदर वी कैन मल्टीप्लाई 99 × 99 और आइडेंटिटी के थ्रू हम इसे बहुत ही इजी बना देंगे 100 − 1 का होल स्क्वायर। एंड योर आइडेंटिटी सेज इफ यू हैव ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पे 100 है, बी की प्लेस पे 1 है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बिना मल्टीप्लाई के भी कितना इजीली ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 9801। कितना सिंपल एंड इजी हो गया। ठीक है, तो अब जब आपको ऐसी न्यूमेरिक सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आप क्या करेंगे, ये दोनों आइडेंटिटी को पुट करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न देखते हैं। इफ वी हैव 68 × 72, अब थोड़ा सा कुछ दूसरा सिचुएशन आ गया। अब आप इसे 100 के फॉर्म में तो अरेंज नहीं कर सकते, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के कोई बीच का ऐसा कॉमन नंबर सोचेंगे जिसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने से 68 आ जाए और वही सेम कॉम्बिनेशन लेने से 72 आ जाए। देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन नंबर क्या है, 70। इनकी मिड वैल्यू निकाल ली मैंने, 68 एंड 72 की वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू 70। अब ये आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की प्लेस पे है 70 एंड b की प्लेस पे है 2। अब आप इजीली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, 70 − 2, 70 + 2 इज इक्वल टू 70² − 2² कितना सिंपल हो गया है। 70² इज 4900 माइनस 4, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 4896। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमने क्या करा, a माइनस बी a प्लस बी के थ्रू इसको विद इन अ सेकेंड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखें। लाइक आई हैव 128² − 77² अब आप क्या करेंगे, पहला तो आपको क्लिक होगा कि मैम हम 128 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 77 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पर वो तो बहुत ही बेकार काम हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बस आपको a और b कंपेयर करना आ जाए तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। b की प्लेस पे क्या है, 77। अब आप आइडेंटिटी लगाएंगे, 188² − 77² इज इक्वल टू 128 + 77 128 − 77। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 205 मल्टीप्लाई बाय 51 एंड इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू दिस। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑल थ्री आइडेंटिटीज, कि इफ वी हैव न्यूमरिक सिचुएशन लाइक दिस देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में अभी हमने थ्री मेन आइडेंटिटी कवर करी और उन पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। तो अब आप घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब हम जो मूव करेंगे दैट इज फोर्थ आइडेंटिटी। अभी हमने केवल तीन ही पढ़ी है, नाउ आई विल मूव टू द फोर्थ वन।